हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक फार्मेसी की वायवा के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। सो होम्योपैथिक फार्मेसी का जब भी आपका वायवा होगा तो सबसे पहले वायवा के लिए जाने के बाद आपका होगा स्पॉटिंग। सो स्पॉटिंग में आप लोगों को क्या क्या पूछा जा सकता है। सो स्पॉटिंग के लिए या तो आप लोगों को होम्योपैथिक फार्मेसी के जो प्रैक्टिकल्स है उनमें यूज़ करने वाले इंस्ट्रूमेंट पूछा जा सकता है, या तो फिर ड्रग के सोर्सेस रखे जा सकते, या तो फिर व्हीकल वगैरह आप लोगों के लिए रखा जा सकता है जिससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और वो जो भी आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना होता है, यूज़ लिखना होता है, और वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है आपको ये भी लिखना होता है। देन अगर आपको सोर्सेस ऑफ ड्रग्स आइडेंटिफाई करने के लिए आए स्पॉटिंग में तो आपको उस स्पॉट को उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देन उस सोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, उसका क्लास कौन सा है, और उसका कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम आप लोगों को लिखना होता है। देन आप जब व्हीकल आइडेंटिफाई करने के लिए आए तो आपको उस व्हीकल की वो व्हीकल कौन सा है वो आपको लिखना होता है, और उस व्हीकल का यूज़ क्या है ये भी हमें लिखना पड़ता है। देन सेकंड हमें जो स्पॉट आप लोगों को होम्योपैथिक फार्मेसी के ओरल के लिए पूछ सकते हैं वो उनमें से पहला है मॉर्टर एंड पेस्टल। सो देन है वाटर बाथ, डेसिकेटर, परकोलेटर, मेजरिंग सिलेंडर, व्हीकल, सकशन पैड, स्पैचुला, सोर्सेस ऑफ ड्रग्स एंड मदर टिंक्चर। के बाद हमारा होगा प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल में हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकल में हमें कोई भी एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा, और उस प्रैक्टिकल में हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, यानी कि एम, रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर और डायग्राम एंड रिजल्ट, ये सब हमें एक हमें पेज दिया जाता है जिस पे हमें एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके हमें वो सब इंफॉर्मेशन हमें एक पेज पे लिख के देने पड़ती है। सो इसके लिए हमें अगर कुछ प्रिपेयर करके जाना होगा तो हमें जो भी हमारे जर्नल में हमने साल भर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके लिखे तो आप अच्छा होगा कि वायवा मतलब जो भी आपके हम होम्योपैथिक फार्मेसी की वायवा होंगी तो आप उससे पहले सारे एक्सपेरिमेंट को एक बार मतलब ध्यान लगा के पढ़ ले कि मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज़ किया है, उसका एम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये सब अगर आपको आप पढ़ के जाएंगे, उस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर भी पढ़ के जाएंगे तो आप मतलब ईजीली उस प्रैक्टिकल को आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो। देन प्रैक्टिकल के बाद आता है वायवा। सो वायवा के लिए हमें होम्योपैथिक फार्मेसी के वायवा के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ परफॉर्म करनी है वो मतलब हमारे जो एग्ज़ाम में जो हमें थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आया होता है तो अच्छा होगा कि आप उस थ्योरी के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर एक बार पढ़ लें, क्योंकि जो भी 1 मार्क्स के लिए MCQ आते हैं उसी को कन्वर्ट करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, या तो फिर 5 मार्क्स के लिए जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है आप वो भी आप लोगों को वो पूछ सकते हैं। तो वायवा के लिए अच्छा होगा कि आप लोग जो भी मतलब क्वेश्चन पेपर आपका एग्ज़ाम में आया है आप उसे अच्छे से मतलब उससे गो थ्रू होके जाए। देन अगर जो भी आपको एक्सपेरिमेंट आया है उस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सपेरिमेंट जैसे कि आप लोगों को सपोज एग्जांपल कि आप लोगों का एक्सपेरिमेंट पूछा गया है कि टू मेजर द साइज ऑफ गिवन ग्लोबल्स, सो इससे आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो आप लोगों को पूछ सकते हैं कि अगर मतलब कोई भी मतलब अगर किसी पेशेंट को हमें बहुत मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी हो तो हम उसे किस साइज़ का ग्लोबल देंगे, तो हम उसे किस साइज़ का ग्लोबल देंगे, तो हम उसे देंगे स्मॉल साइज़ का ग्लोबल, क्योंकि जब भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी मेडिसिन को हमें प्रिस्क्राइब करना होता है तो अब हम क्या करेंगे मतलब वो मतलब एक टाइम पे हम 4 या 5 ग्लोबल्स लेने को पेशेंट को बोलते हैं तो हम क्या करेंगे कि वो ग्लोबल्स वो ज़्यादा दिन तक ले सके इसलिए हम उसे छोटे साइज़ के ग्लोबल्स देंगे। तो ऐसे मतलब
प्रैक्टिकल के मतलब जो मतलब अप्लाइड क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन से गो थ्रू होके जाए जब भी आप वाइवा के लिए जाए तब। और वाइवा में जाके आप लोगों को मतलब हॉल में जाके सिर्फ मतलब वहाँ जाके पढ़ना नहीं है, आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों के बाद में जो आप लोगों के सॉरी आप लोगों के पहले जो भी लोग वाइवा के लिए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अलर्ट रहना है कि उन लोगों को कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपका जो जर्नल होता है और जो भी हर्बेरियम की जो शीट होती है, हर्बेरियम की फाइल होती है, आप लोगों को वो बहुत अच्छे से मतलब लेके जाने, बिल्कुल भी वो ख़राब वगैरह होनी चाहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है, जब आप कॉन्फिडेंटली आंसर मतलब देते हो तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको बहुत अच्छे से रखना है। आप ध्यान रखें कि जब भी आप वाइवा के लिए जाए तो आपका जो भी कॉलेज का यूनिफॉर्म है वो आप अच्छे से पहन के जाए, अपने आपका एप्रन प्रेस होना चाहिए अच्छे से, आपके उसके बटन्स आपको लगा के जाने हैं। अगर आप गर्ल हो तो आपको अपने हेयर्स को टाई करके जाना है, बॉय हो तो हेयर्स को अच्छे से कॉम करके जाना है। आप लोग अगर गर्ल है तो बिल्कुल भी ज़्यादा मेकअप अप्लाई ना करें, जितना सिंपल हो सके मतलब इन शॉर्ट आप लोगों को उतना सिंपल होके जाना है। आपको मतलब जितना ज़्यादा आप उन्हें सिंसियर दिख सके उतना अच्छे से आप लोगों को जाना है। और एग्ज़ाम मतलब जब भी आप वाइवा में हॉल में जाने से पहले आप लोगों को एग्जामिनर को पूछना है कि मे आई कम इन सर, ऐसे ही डायरेक्ट जाना नहीं है आप लोगों को एग्जामिनर की परमिशन लेके ही अंदर एंटर करना है। वह अंदर हॉल के अंदर एंटर करने के बाद आप लोगों को एक बार एग्जामिनर जब तक आपको बैठने के लिए ना कहे तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी बैठना नहीं है। जब एग्जामिनर आप लोगों को बैठने के लिए कहे तभी उसे थैंक यू कहकर आप लोगों को बैठना है। और एग्जामिनर से बिल्कुल भी आप लोगों को आर्ग्यू नहीं करना है। अगर किसी सवाल का आंसर आप बहुत कॉन्फिडेंट है और एग्जामिनर से अगर रॉन्ग कह रहा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाना है कि हाँ आपको ही सब कुछ बताएं। अगर उन्होंने वो कह रहे हैं कि उन्हें मतलब वो आंसर आपने गलत दिया है तो आपको उनके साथ बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करना है, तो उनको सॉरी कह के आगे का क्वेश्चन का आंसर करना है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब तुक्का नहीं मारना है। आप लोगों को अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है कि सॉरी सर आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसे बोल के आपको आगे का क्वेश्चन का आंसर करना है। सो दीज आर सम टिप्स फॉर द वाइवा ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।